बेटी, शुगर पेशेंट से स्वीट नहीं खाने मालूम है ना, कैसी नर्स हो। अरे रे, उसे मत डांटिए, मैंने ही उससे मंगवाया था। मुझे शुगर है, वो कैसे जान सकती है। जान लेना चाहिए, तभी नर्स कहलाती है। देखो बेटी, चाहे कोई भी स्वीट दे, अगर ये खाएगी तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, समझ गई। समझ गई सर, आज से इन्हें स्वीट नहीं दूंगी। पर आपको तो शुगर नहीं है ना, आप तो मीठा खा सकते हैं। हेलो या यू आर राइट, जानकी वो कॉलेज गई है, शील बी बैक इन द इवनिंग अराउंड 7-7:30। श्योर, आई टेल हर दैट यू हैव कॉल्ड। यू आर वेलकम। नमस्ते। कहाँ तक पढ़े? 10वीं पास हूँ। बात इंग्लिश में ऐसे की जैसे एमए बीए पढ़े हो। इंग्लिश में बात करने की इच्छा है, गलत ना बोलूं इसलिए करेस्पोंडेंस में सीख रहा हूँ। मुझसे झूठ बोल रहे हो तुम? बिल्कुल नहीं सर। अगर झूठ पकड़ा गया तो समझ लेना, रामनाथ मैं आ रहा हूँ। उफ़ो, 5 बज गए। बजने दो, कॉलेज छूट जाएगा। छूटने दो, बस में बहुत भीड़ हो जाती है। ओके मैम, मैं चलती हूँ, बाय। हाँ। ड्रेस कहाँ है? बदल दिया? बैग में है। बड़ा अच्छा नाटक कर लेती हो तुम। इस तरह से झूठी नर्स बनने की क्या सजा है मालूम है? 6 महीने जेल की कैद। कौन है आप? के आर भारती के घर में नर्स बन के गई थी ना, उस जगह में मुझे होना चाहिए। मेरा नाम ही कल्याणी है, 16 साल से काम कर रही हूँ। डरो मत, कृष्णा ने उसके लव के बारे में बोला, इसीलिए मैंने अलाउ किया कि तुम वहाँ जाओ। और वैसे भी वो बाला तिरुप सुंदरी ने मुझे देखा नहीं, इसीलिए तुम बच गई हो। समझ गई हो, प्यार करना पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी बड़ा नर्स का काम पुण्य का काम है। इसलिए दिल से अपना काम पूरा करना, डेली बीपी चेक करना, पल्स चेक करना। पल्स का मतलब ये अपने दांत दिखाना नहीं है, पल्स चेक करना मतलब है नब्ज को चेक करना। और वैसे भी कोई डाउट हो तो आकर अस्पताल में मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ठीक है। पहले वो हाँ कुछ